हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपको हम सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेप्स बताएंगे। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन का मीनिंग यही हुआ कि जब किसी सेल के अंदर जब ऑक्सीजन इंटर करता है तो सेल के अंदर पाए गए न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, इनका ऑक्सीडेशन होता है, इनका ब्रेकडाउन होता है, उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। तो ऑक्सीजन के अंदर आने से सेल के अंदर पाए गए न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन हुआ जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना, यही रेस्पिरेशन कहलाता है, यानी इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। माने यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन सेल, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीटेड इन 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड स्टेप ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, थर्ड स्टेप क्रेब्स साइकिल एंड 4th step इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो सेलुलर रेस्पिरेशन इज कंप्लीटेड इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग अब फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, ग्लाइकोलिसिस। देखिए, जो ग्लाइकोलिसिस वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक वर्ड को कहते हैं ग्लाइकोस, एक वर्ड होता है लाइसिस। तो ग्लाइकोस प्लस लाइसिस, ग्लाइकोस मीन्स शुगर और लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग। तो ये ग्लाइकोलिसिस डिराइव फ्रॉम 2 वर्ड्स। देखिए इसके 2 वर्ड्स हैं, एक वर्ड का नाम है ग्लाइकोस और सेकेंड वर्ड है ग्लाइकोस प्लस लाइसिस। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है और ग्लाइकोस का मतलब हम लोग लिखते हैं शुगर से मतलब है, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन यानी शुगर के ब्रेकडाउन होने को ये ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। शुगर एक डाइसैकेराइड होती है और ये डाइसैकेराइड जब स्प्लिट करती है तो 2 मोनोसैकेराइड में टूटती है। एक को कहते हैं ग्लूकोज और सेकेंड का नाम देते हैं फ्रुक्टोज। तो ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये दोनों मोनोसैकेराइड हैं और इनको ब्रेकडाउन करने में जो इंजाइम है उस इंजाइम का नाम होता है इन्वर्टेज, मतलब इन्वर्टेज इंजाइम के द्वारा सुक्रोज हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनाएगी। ग्लूकोज फ्रुक्टोज अब ये दोनों ये इंटर करते हैं ग्लाइकोलिटिक पाथ में, मतलब दोनों इंटर करते हैं ग्लाइकोलिटिक पाथ में। अगर मान लीजिए तो जो ग्लाइकोलिटिक पाथ में इंटर करेंगे उसको ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस जो है इसकी खोज सबसे पहले 3 वैज्ञानिक इम्बडन, मेयरहॉफ, पारनास ने किया, तो उनके नाम पर इसको ईएमपी पाथवे कहते हैं। चूंकि ये सेल के साइटोप्लाज्म में होती है तो साइटोप्लाज्मिक पाथवे कहते हैं, और ये एरोबिक एनारोबिक दोनों में कॉमन है इसलिए इसको कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस का नाम क्या है, ये कह सकते हो ग्लाइकोलिसिस इज नोन एज, ग्लाइकोलिसिस इज नोन एज ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे इम्बडन, मेयरहॉफ, पारनास ने खोजा, उसके नाम पे ईएमपी पाथवे कहा गया। टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, सो कॉल्ड इसको ये भी कह सकते हो साइटोप्लाज्मिक पाथवे, साइटोप्लाज्मिक पाथवे के नाम से जाना गया। कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे, कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे के नाम से भी जाना गया, और इसको बोलते हैं हेक्सोज, हेक्सोज डाई फास्फेट, हेक्सोज डाई फास्फेट पाथवे भी कहते हैं। अब देखिए ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा तो इस ग्लूकोज के द्वारा 2 मॉलिक्यूल, ये पार्विक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ये 2 मॉलिक्यूल पार्विक एसिड का फॉर्मेशन होगा। चूंकि ग्लूकोज में अब कितने कार्बन है, 6 कार्बन एक कंपाउंड ग्लूकोज, ब्रेकडाउन होकर 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाएगा और ये प्रोसेस सेल के अंदर
कहाँ होता है? तो बताएंगे साइटोप्लाज्म में होता है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। कभी कभी नीट में क्वेश्चन भी आता है साइटोप्लाज्म करेक्ट माना जाए कि साइटोसॉल। देखिए साइटोसॉल का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर से सेल ऑर्गेनेल निकाल दें तो उसको साइटोसॉल भी कहते हैं। तो एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल में ही होती है। अगर दोनों ऑप्शन दिया जाए साइटोप्लाज्म साइटोसॉल तो साइटोसॉल करेक्ट होगा, और नहीं अगर है तो साइटोप्लाज्म में ही बताएंगे। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस को ये साइटोप्लाज्मिक पाथवे कहते हैं। और चूंकि तीन वैज्ञानिकों ने इसकी डिस्कवरी किया तो उनके नाम पर इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। और ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट ये पायरविक एसिड होता है। अब इसके बाद ग्लाइकोलिसिस का जो फ्लू चार्ट है, इस चार्ट को आप देखें तो सबसे पहले यही होगा फास्फोराइलेशन स्टेप है। उस स्टेप में जो ग्लूकोज है एक एटीपी के हाइड्रोलाइज होने से ये फास्फेट ग्लूकोज के 6 कार्बन पर जुड़ गया तो उसका नाम दिया गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। इसको मैग्नीशियम आयन है वो एक्टिवेट करता है काइनेज एंजाइम को। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने को फास्फोराइलेशन का फर्स्ट स्टेप कहते हैं। उसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। तो ग्लूकोज का फ्रुक्टोज में बदलना ये आइसोमेराइजेशन कहलाता है, और ये आइसोमेरेज एंजाइम ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में बदल देता है। इसके बाद फ्रुक्टोज 6 फास्फेट फिर एक एटीपी के यूटिलाइज होने से सेकेंड स्टेप पर फास्फोराइलेशन होगा। यहाँ सेकेंड मतलब फर्स्ट यहाँ बोलेंगे और स्टेप तो बोलेंगे थर्ड स्टेप है फिर फास्फोराइलेशन हुआ। तो इसके द्वारा एक एटीपी यही लॉस होके फिर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 डाई फास्फेट का फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब कि दो एटीपी यहाँ देखिए गेन हो गई, एक फर्स्ट स्टेप में एक थर्ड स्टेप में एटीपी यूटिलाइज हो गई। दो एटीपी। इसके बाद फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट जो है 6 कार्बन का कंपाउंड, देखिए ब्रेकडाउन का मतलब लाइसिस कहते हैं, लाइसिस हुआ एल्डोलेज एंजाइम द्वारा 3 फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में टूटता है। ये दोनों 3 कार्बन के सुगर है, इनको ट्रायोज कहा जाता है। इसके बाद 3 फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड फास्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में 1,3 डाई फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड बदल जाता है। और फिर 3 फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड ये जो देख रहे हैं आप इनका ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है तो ये चेंज हो जा रहा है किसमें, 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड बदल जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NAD प्लस से NADH प्लस HIN, यानी ये 6th स्टेप में हो रहा है। देखिए ये 6th स्टेप में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में फास्फोग्लिसरिक एसिड में बदल गया, और यहाँ ADP के साथ फास्फेट मिलकर ATP का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ ATP गेन हुआ, 7th स्टेप में ATP गेन हुआ। उसके बाद म्यूटेज एंजाइम से 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड ये बदल गया 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। फिर इनोलेज एंजाइम के द्वारा वो फास्फो इनाल पायरविक एसिड बदल पायरवेट में बदल गया। अब फास्फो इनाल पायरवेट फिर काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में पायरविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और वहाँ भी ADP के साथ फास्फेट मिलकर एक ATP बना लिया। तो ATP लास्ट स्टेप में भी बना और 7th स्टेप में भी मिला। तो देखिए लास्ट स्टेप 10th स्टेप यहाँ भी ATP बना और एक 7th स्टेप में ATP बना। तो ATP गेन कितना हुआ, दो जगह पर हुआ 7th और 10th, और इन्हीं को तो ATP कितना गेन हुआ तो ये नंबर इनका बताएंगे 4 ATP गेन हुआ डायरेक्ट। और ATP लास्ट यूटिलाइज कितना हुआ, 2 मॉलिक्यूल ATP यूटिलाइज हुआ। और इनडायरेक्ट ATP कहाँ पर बनेगी, तो देखिए इस डिहाइड्रेशन जो स्टेज हो रहा है यहाँ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ, तो यहाँ पर ETS द्वारा ATP का फॉर्मेशन होगा जो NADH वहाँ पर ऑक्सीडाइज करेगा। उसके बाद यहाँ देखिए 9th स्टेप में ये भी पूछ लिया जाता है किस स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है किस स्टेप में, 9th स्टेप में। और एक ग्लूकोज से कितने वाटर मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में निकलेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल वाटर निकलते हैं, 4 मॉलिक्यूल ATP डायरेक्ट बनती है, 2 ATP यूटिलाइज हो जाती है। तो नेट गेन कितना ATP बचती है, 2 ATP नेट गेन बचती है। ये ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप में हुआ, 10 स्टेप। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बने, और कितने स्टेप में, 10 स्टेप में होगा। और अगर पूछ देगा इसका
मार्कर एंजाइम कौन है? तो देखिए यही मार्कर एंजाइम होता है, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इस ग्लाइकोलिसिस का मार्कर एंजाइम होता है, की हाउसकीपिंग एंजाइम कहा जाता है इसको। अब इस ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चनों को आप लोग देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए पहले तो क्वेश्चन यही बना कि ग्लाइकोलिसिस ये कहाँ पर होती है, तो आप लिख सकते हो ग्लाइकोलिसिस नोन है तो ये मेन इसका नाम होगा ईएमपी पाथवे कहते हैं, यानी ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है? सेल के अंदर, इस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस तो पाइरुविक एसिड होता है, पाइरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होगा और इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। ग्लाइकोलिसिस अकर इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, तो ऑक्सीजन हो या ना हो दोनों के प्रेजेंस एब्सेंस में होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे के नाम से जाना जाता है, कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे के नाम से इसको जानते हैं। और एटीपी कितने स्टेप में यूटिलाइज हुई? तो एटीपी 2 स्टेप में यूटिलाइज होती है, और जो 2 स्टेप है, एक स्टेप है फर्स्ट और एक है थर्ड। फर्स्ट स्टेप का मतलब ग्लूकोज 6 फास्फेट बदलना, और थर्ड स्टेप फ्रुक्टोज 6 फास्फेट का फ्रुक्टोज 1,6-डाइफास्फेट बदलना। उसके बाद एटीपी गेन, तो ये भी बताएंगे 2 स्टेप में एटीपी गेन होती है, एक होती है 7th में और एक होती है 10th स्टेप में एटीपी गेन होती है। और नंबर ऑफ डायरेक्ट एटीपी गेन, तो डायरेक्ट एटीपी होती है, देखो 4 एटीपी डायरेक्ट बनती हैं 7th और कहाँ पे 10th स्टेप में डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट एटीपी 6th स्टेप में जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहाँ पर फ्रुक्टोज माने जहाँ पर 3,1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बदल रहा है, वहाँ पर NADH 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो एक NADH मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 3 ATP मिलती है, तो 2 के द्वारा 6 ATP मिलेगी। तो इनडायरेक्ट अगर पूछा जाए तो 6 ATP बताइएगा, इनडायरेक्ट 6 ATP मिलती हैं वाया ETS, वाया तो बताएंगे ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा ये मिलेगा। टोटल गेन ATP, तो देखिए 6 हो गया और इसमें से 2 ATP लॉस हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है, तो 2 ATP बचती है, तो 6+2 ये 8 ATP गेन होती है टोटल, याद रखना होगा। और नेट गेन, तो भाई 4 ATP डायरेक्ट बनी, 2 ATP यूटिलाइज हुई, तो नेट गेन पूछा जाए तो 2 ATP बताना। बहुत बच्चे ये भी नहीं कंफ्यूज रहते हैं कि 2 ATP नेट गेन कब होगा, टोटल गेन कितना होगा, डायरेक्ट कितना होगा, तो जरूर याद रखना। तो डायरेक्ट पूछेगा तो 4 ATP, इनडायरेक्ट पूछेगा 6 ATP, और नेट गेन तो बताना 2 ATP। स्टेप वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, तो स्टेप कहाँ पर, तो ये बताओ 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड से जब ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा इसी जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है। और स्टेप वेयर डिहाइड्रेशन, कहाँ पे पानी निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, तो ये बताएंगे 9th स्टेप में जहाँ पे 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये बदलता है फॉस्फोइनॉल पायरविक एसिड में, इसी जगह डिहाइड्रेशन होता है। तो बच्चों नीट के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब चूंकि समय कम होने से हम आपको लिख करके कुछ मैटर ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए ये कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसको आप अच्छा से पॉइंटों को अच्छा से पढ़ लें, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोगिलेशन के बारे में बताएंगे, जो सेलुलर रेस्पिरेशन का 2nd स्टेप होता है। थैंक्स।